टुडे वी आर स्टार्टिंग विद मैथ्स। मैथ्स में हम क्या करने वाले, सिमेट्रिक। ओके, वी विल लर्न अबाउट दिस। इफ टू पार्ट्स ऑफ अ फिगर मेड बाय अ लाइन फॉल्स एग्जैक्टली ऑन वन अनदर देन द फिगर इज सेट टू बी सिमेट्रिकल। इसका मतलब क्या बोला है, अभी आप देख रहे हो एक रेक्टेंगुलर शेप है, ठीक है। ये सेंटेंस जो लिखा है मैं आपको उसमें एक्सप्लेन कर रही हूँ थ्रू दिस फिगर। एक आपको रेक्टेंगुलर शेप दिया है, अगर मैंने इन दोनों के बीच में एक लाइन मार दिया तो दोनों के साइड में इक्वल पार्ट रहेंगे, ठीक है। इधर भी कम नहीं, उधर भी कम नहीं, दोनों साइड इक्वल है तो हम उसे सिमेट्रिक बोलेंगे। वही वहाँ पे लिखा है, दोनों जगह पे एग्जैक्टली वन अनदर लाइक अ मिरर। वो दोनों को अगर हमने फोल्ड भी किया ना तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा वो, राइट। तो इतना इक्वल होना चाहिए तो उसे हम सिमेट्रिक बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इफ टू पार्ट ऑफ अ फिगर मेड बाय अ लाइन डू नॉट फॉल एग्जैक्टली ऑन वन अनदर देन द फिगर इज नॉट सिमेट्रिकल। अभी इस चीज को मैं आपको फिर से वैसे ही एक्सप्लेन करती हूँ। अभी समझो वहाँ पे दिया है जी, ठीक है, जी लेटर लिखा है। अगर मैंने उसके बीच में एक लाइन मार दी तो मैंने फोल्ड किया तो दोनों जगह पे इक्वली पार्ट जैसे आएंगे, जितना यहाँ पे पार्ट है उतना ही सेम आएगा, नहीं दोनों जगह पे अलग अलग पार्ट्स हो जाएंगे। तो फोल्ड भी करेंगे तो दोनों में बहुत डिफरेंस होगा, तो वो हमारा नॉन सिमेट्रिक होने वाला है। ओके, जब सिमेट्रिक मतलब जब हम कोई ऑब्जेक्ट पे लाइन मारेंगे तो जब हम किसी चीज़ को फोल्ड करेंगे तो दोनों एग्जैक्टली सेम दिखेगा तो वो हमारा सिमेट्रिकल बोलते हैं, लाइक अ मिरर। अगर हम ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें हम एक लाइन मारेंगे, कोई स्प्लिट ऑन करेंगे और उसका दो भाग करके इफ वी विल डिवाइड इन टू पार्ट्स, तो हमने उनको ज्वाइन भी किया फोल्ड करके, तो दोनों में बहुत डिफरेंस रहेगा जो इक्वल नहीं रहेगा, दैट इज नॉन सिमेट्रिकल। ओके, अभी डिटरमाइन वेदर द फिगर गिवेन बिलो आर सिमेट्रिकल अबाउट एनी लाइन और नॉट। पुट अ टिक बिलो द पिक्चर इफ इट इज सिमेट्रिकल एंड अ क्रॉस इफ इट इज नॉट। आपको इधर देख क्या करना है, आपको बताना है कि ये सिमेट्रिकल है या नहीं फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, और उसमें आपको क्या करना है, आपको टिक मार्क करना है अगर सिमेट्रिक है, रॉन्ग करना है अगर सिमेट्रिक नहीं है। वेट, तो पहला है बटरफ्लाई के सामने ऐसे मार देंगे तो दोनों जगह पे इक्वली आ जाएगा तो हमारा सिमेट्रिकल है। टू में मारेंगे ऐसे एक स्टैंडिंग लाइन तो नहीं होगा, वो नॉन सिमेट्रिकल है तो वहाँ पे नीचे रॉन्ग। और जो नेक्स्ट शेप है उसमें अगर हमने बीच में से मारा तो भी हमारा इक्वल पार्ट्स ही मिलेगा। सेम विद द एल एक्स एच, ये आपको खुद से करना है। नेक्स्ट वन इज फॉर ईच ऑफ द फिगर बिलो ड्रॉ अ लाइन अलॉन्ग विच यू वुड फोल्ड द फिगर टू शो दैट इट इज़ अ सिमेट्रिकल। अगर आपको बताना है कि ये सिमेट्रिकल है तो आप कहाँ पे लाइन मारोगे और वो कौन सा है। सो मैं तो एरोप्लेन पे ट्राई करूँगी, अगर मैंने स्टैंडिंग लाइन मारा तो दोनों जगह पे इक्वली फोल्ड होएगा और वो सेम शेप में रहेगा, ना ही कुछ अलग आएगा, तो दैट इज वो एक है। एंड नेक्स्ट वन इज दैट इज स्टार, अगर मैंने उस बीच में भी लाइन मारा तो भी मुझे सेम ही मिलेगा। और लीफ में भी अगर मैंने मिडल में मारा उस पर लाइन तो दोनों जगह पे इक्वल आएंगे, लेकिन एट पे भी आ जाएंगे अगर मैंने स्टैंडिंग मारा तो। इन ईच ऑफ द सिमेट्रिक फिगर्स गिवन बिलो कलर द टू सिमेट्रिकल पार्ट इन डिफरेंट कलर्स। ओके, तो इसमें से आपको सिमेट्रिकल जो पार्ट है, जो सिमेट्रिकल है उसके आपको कलर करना है, ठीक है। ये आपका एक्सरसाइज है, ये आपको चाहिए तो यू विल गेट ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप। नाउ नेक्स्ट वन इज अ क्लोज फिगर, अ ज्योमेट्रिकल फिगर दैट बिगेन्स एंड एंड्स एट द सेम पॉइंट इट इज कॉल्ड अ क्लोज फिगर। क्लोज फिगर मतलब पूरा बंद। अभी समझो ये यहाँ से चालू हो रहा है तो यहाँ से चालू होके ये इधर से ही खत्म हो रहा है, जहाँ से चालू हुआ वहीं पर ही एंड हुआ, पूरा क्लोज है, उसे हम क्लोज फिगर बोलेंगे। जैसे लाइक अ सर्कल, स्टार, देन ट्राइंगल, स्क्वेयर, वट एवर इट इज। ओके, आपका कंपास बॉक्स पूरा क्लोज्ड है, ठीक है, उसे हम क्लोज फिगर बोलेंगे। एन ओपन फिगर इफ द टू एंड्स ऑफ द ज्योमेट्रिकल फिगर आर नॉट जॉइंट, जो दो फिगर है जो एक दूसरे से जॉइंट नहीं है, देन द फिगर इज कॉल्ड एन ओपन फिगर।
अगर एक दूसरे से ज्वाइन नहीं तो हम ओपन फिगर बोलेंगे। जैसे कि ये देखो, जहाँ से स्टार्ट हुआ दूसरे साइड से ख़त्म हुआ है, लेकिन वो एक दूसरे से ज्वाइन नहीं है, उसके दो पॉइंट एक दूसरे से ज्वाइन नहीं, ओपन है, तो उसे हम ओपन फिगर बोलेंगे। ओके।